हम आगरे से एक दिन में निकल रहे हैं। यहाँ से हम लोग अभी दिल्ली जाएंगे, तो ये गाड़ी हमारी ना होटल जा रही ना कहीं, अब यहाँ से सीधा हम जाएंगे बस स्टैंड, और बस स्टैंड वो वहाँ से बस पकड़ेंगे हम लोग आगरा से दिल्ली की, और यहीं पे हमारी बस खड़ी है जो हमें दिल्ली लेके जाएगी। तो दिल्ली के आगे की जो टिकट है वो अपने पप्पू भाई कोशिश कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ मत करो मेहनत, मैं दिल्ली जाके ले लूँगा डायरेक्टली, लेकिन फिर भी भाई कोशिश कर रहे हैं। जब तक ये देखते हैं, यहाँ पर नूर गई है अंदर बस में, उसके हाथ में मम्मू को देकर आता हूँ। किधर बैठ रही है? आगे फूल है? हाँ ठीक है, ले ले मम्मू को, ले ले मम्मू को, ले आराम से बैठ, मैं सामान डालता हूँ लगेज में जब तक, ठीक है मेरा मोबाइल है। सो गाइस बस में बैठ गए हम लोग, बस फुल भी है और लकीली कि हम लोग की ना सीट खाली थी यहाँ पर, नहीं तो हम लोग को अगली बस के लिए वेट करना पड़ता था। हाँ यूसुफ भाई बहुत चला ना अभी तू, आप सुकून से बैठ लंबा टाइम तक, तीन घंटे तक उसके बाद फिर बैठना है लंबा टाइम। हाँ मम्मू आगे वालों को परेशान नहीं करना, नहीं करना तो नहीं करना, मारते हैं बहुत मारते हैं। तो कैसा लगा आगरा? एकदम मजेदार लगा, लेकिन बिना पेटा खाए आते हुए अगर आगरा आते तो फिर ले सकते थे, हालांकि ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत शॉर्ट टाइम है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है, बस हम लोगों को था कि एक दिन में जब थोड़ी चीजें हैं तो फटाफट देख के निपटा लो। हाँ यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करने का, जब ये चीज हो सकती है जल्दी तो कर लो और निपट लो। एक दिन में घर पे जाओगे क्या? दो दिन में? 5-6 दिन। तुझे कितने दिन में जाने गए? मुझे भी 5-6 दिन। हाँ ठीक है, उसको टेंशन हो रहा है एक दिन में चले जाएंगे, क्यों ला इतना सामान। गाइस हम लोग का जो आगरा से दिल्ली वाला सफर है शुरू क्या हो चुका है, आधा हो चुका है, अभी हम लोग बस का ढाबे पे रुका है, ढाबे पे। तो तू यहाँ कुछ खाएगी? इतना देर नहीं रुकेगा, मेरे को नहीं लगता। चाय पी लेते, मैं क्या बोलता हूँ, चाय पीते, नहीं रुकेगा तो इधर पे आधा घंटा रुकेगा इटली, लेकिन ना अपनी वाली बस भी ढाबे पे रुकेगी आधी रात, ऊपर से अपन यहाँ से उतरेंगे ना उसके बाद अपनी वो बस में भी टाइम है अपने पास। मम्मू का नाटक चालू है, पता है क्यों चालू है? क्योंकि उसको मेरी गोदी में आने का है, और यूसुफ इनकी गोदी, और मेरी गोदी में मेरा बच्चा यूसुफ भाई। तो उसको ऐसा है कि मेरे को भी ले लो। हाँ वही तो, देखो नाटक चालू है इसके, कब से नौटंकी कर रहे हैं नीचे, कहाँ चलो। हाँ बस में जाके बैठते, लेकिन बस चालू नहीं होगी, अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा, तो हम लोग वापस सेटल होंगे, हम लोग पीछे हो आ गए। हाँ इन लोग को ना 2 सीट लग रही है, वैसे तो बच्चे लोग की टिकट नहीं थी, लेकिन हम लोग ना 4 दिन नहीं आ पा रहे थे इसलिए बोला। अरे चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अरे यूसुफ ये देख मैं भी यहाँ आ गया। अरे यूसुफ फाइनली हम लोग को मनाली की बस मिली बड़ी जद्दोजहद के बाद। हाँ। पागल लोग जैसा भाग रहे थे हवा, मतलब चांसेस बहुत कम थे लेकिन मिल गए, क्योंकि इतना लेट का था गया, हो गया छूट गई बस। हाँ तो हम लोग का पिकअप देखो 12 बजे हो रहा है, तो 10:30 बजे की लास्ट बस थी, ये सब बता रहे थे हम लोगों को, है ना। और आगरा से दिल्ली हम लोग पहुँचे 11 बजे नहीं 11:30 बजे, उसके बाद 12 बजे की बस मिलना पॉसिबल नहीं था, लेकिन लकीली मिल गई। यूसुफ खा रहा है बर्गर, मम्मू के हाथ में है चिप्स, एक्चुअली ये लिया था यूसुफ ने लेकिन ये छीन लिया इससे, और अभी रात के 2:30 बजे बस ने रुकाया है ढाबे पे, लेकिन इधर पे मेरे को कुछ खाना समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पंजाबी ढाबा है, तो मैंने बर्गर और सैंडविच लेने लगा है, बर्गर यहाँ बन रहा है, सैंडविच वहाँ तैयार हो रहा है, क्योंकि फिर बाकी सब जो आइटम है ना मेरे समझ के बाहर जा रहे हैं, मतलब आइटम का नाम करते साथ ही ऐसा मन ही नहीं कर रहा खाने का। देखो हम लोग इतनी बड़ी जगह पर उतरे लेकिन खाने का ऑप्शन ही नहीं समझ में आ रहा, ऐसा वाला सीन है। ये सब चीज़ी की दुकान है लाइन पे, इधर पे है स्वीट कॉर्न, उधर पे है आइसक्रीम, इधर पे सैंडविच वाला है जिसके पास चीज़ नहीं है, मेयोनीज वाला, और फिर आज का टाइम थोड़ा ख़राब चल रहा है। हाँ इसकी कहानी हम लोग ना बाद में आराम से बैठ के सुनाएंगे ये दिन की। हाँ। ये मूड ख़राब करने वाला दिन है आज, लेकिन चलो कोई नहीं, आगे बढ़ने का अभी चल। इंशाल्लाह तो बस में आ रही है, कंटाल और ये रो रहा है हली, चालू होने वाली अपनी बस। हाँ चल सैटल चालू होना फिर ही जाती, थोड़ा शांति मिलेगी।
ये भी किरकिर कर रहा बस के अंदर कंटिन्यू बस 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 के अंदर बस बस हो गया। ये हम लोग की बस, ये वाइट वाली जो घड़ी है। हाँ आ रही तेरी अम्मी, आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही, खुश हो गया। हाँ ये बस के बाहर निकल के खुश है, इधर पे इतना ये अंदर तो परेशान था। बाहर का नजारा भी देख थोड़ा, और माहौल के भी मजे देख। अरे चलना बाहर, ठंडी है मस्त एकदम। पहाड़ देखता हूँ, पहाड़ देख, ठंडी है, पहाड़ देखेंगे। अबे बर्फ वाली जगह पे जाने के बोलता था, ठंडी नहीं पसंद, इसको छोड़ के जाएंगे इसको। अच्छा चल मैं 11 नीचे चल आ रहा था। हाँ बाहर ही ठंडा एकदम, जैसे कि एसी में जम मार दिया मैंने। देखो तुम लोगों को बताओ, अरे यार इधर तो यूसुफ की मैगी भी है। अरे यूसुफ मम्मू उठ गया, मैंने जब यूसुफ को आवाज़ दिया जोर से तो। आहा गुड मॉर्निंग, अरे भाई चलो। तू उसको कैसे ली? देखा मैं बोल रहा है। यहाँ पर बनी गर्म गर्म मैगी और मिलेगी चाय। हम लोग यहाँ पर जब तक बैठते कहीं पीछे तो पूरा जंगल है। कहाँ जाने वाला है? मैगी तो तैयार है लेकिन नूर का है। अबे पिक कैसे करूँ इसके साथ, ये जप्टी मारेगा। क्या बोलता है? व्हाइट वाली मैगी मेरी फेवरेट है। भाई मनाली में ऐसी ऐसी मैगी खाने मिलेगी ना कि मैगी का दीवाना हो जाएगा तू, समझा? मेरी भी फेवरेट मैगी ना मनाली की थी। क्या क्या ये बोल रहा हूँ, व्हाइट वाली मैगी मेरी फेवरेट है, वाला मनाली में मिलती है सबसे अच्छी अच्छी मैगी है कि नहीं? अंडा मैगी कहाँ था है ना, वो भी बर्फ़ वाली जगह पे, पहाड़ पे ऊपर चढ़ने के बाद। अरे भाई चम्मच चम्मच दे, छे तेरे लिए मैगी नहीं लिया, ला चम्मच दे। पूरे चम्मच क्यों लिया है, एक तो दे रहा दे दे दो। नहीं बस इससे काम हो जाएगा हमारा, ले लिया वाले था। नहीं दे रहा था। मम्मू के हाथ से कैमरा छीना, उसको पता नहीं चला, उसको लगा कैमरा गिर गया। कैमरा इधर है, कैमरा इधर है। अरे पप्पी दिया विंडो सीट है, विंडो सीट में बैठा था यूट्यूब भाई। ट्रेन में नहीं मिल रहा था तो इधर ही मिल गया। क्या ट्रेन में नहीं मिल रहा था ना, बस में तो विंडो सीट पकड़ के बैठा तूने दोनों का। मैं भी विंडो सीट पकड़ कर बैठा था पीयूष की मम्मी के पास। लड़ रहा है कैमरे के लिए।
यूसुफ भाई तो नजारे देखते देखते सो गए, ये भी सो गया, इसको तो सुलाया जा रहा है बड़ी साजिश के साथ, बहुत सताता है आधा सफर सो के निकाला है। और हम लोग पहुंच रहे ही नहीं अभी तक, मैं कब से चुप बैठूं, मैं ऐसा लग रहा कान में मेरी आवाज नहीं आई बहुत देर से चुप बैठी। तो खा रहा हूँ जेम्स, मुझे भी तो आते हैं। ये लो तुम्हारा पूरा पैकेट पकड़ो। मैंने यहाँ पे कितना किराए दे दो, दोनों भाइयों ने मुझे कल बारिश हो गई थी है ना, जेम्स केक ने दिए थे ना अपने, थक गए ना सफर में, सो सो के थक गए, बस बस हो गया ना बस में, जा के तेरे नहाना है बस में ना, बहुत बस बस हो गया हम लोग का, दो बस है ना, एक बस आगरा से जो दिल्ली थी वो 6 से 11:30, फिर ये 12 बजे वाली, आधा घंटा रिक्शे में भी हम लोग अतरंगी भागे अतरंगी तरीके से, ये 12:30 बजे से, ये 12 बजे से 12:30 बजे, मतलब ये भी कितना घंटा सर, कल शाम से 6 बजे से ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग। ये सब थक गया कि नहीं ट्रैवल करते करते, मज़ा आ रही ना, यही तो मज़ा है, देखी मेरी बच्ची की खुशी के लिए आया था मैं बाहर, बस खुश, और चलेगा बस में, चल वापस चलते दिल्ली, विंडो सीट बर्फ़ वाली जगह पर जाते ना पहले। और यहाँ का टेम्परेचर अभी 17 है, अभी 17 है, रात में चेक किया था 11 था, अभी 17 है, 17 मतलब कूल वाली ए सी एकदम, बाहर का माहौल मस्त है। ऐसे पहाड़ देखा था तुमने पहले, इतना बड़ा पहाड़ है, देख तो मैं सारी चीज़ सब को देना जाता हूँ। क्यों? क्योंकि ना मेरी अम्मी बहुत अच्छी है। मुरब्बा आप भी एकदम, पुदीना सिंह है, पुदीना सिंह कैसी है, खाया अच्छा है, ये बंदा खड़ा है ना जो अच्छे से देख लो इसको, इसकी कहानी में बाद में बताने वाला तुम लोगों को, देखो पैराडाइंग पैराडाइंग पैराडाइंग, देख पतंग देख आसमान में पतंग देख, अरे वो देख ना इधर पे, देख बंदा उड़ रहा है उधर पे पैराडाइंग में, अरे देख रहा हूँ पैराडाइंग इधर है ना, दिखा क्या? हाँ दिखा करेगा, हाँ तेरे को ऊपर छत से फेंक देंगे नीचे डायरेक्ट, पेड़ आ गया बीच में, आया आया, दीदी को बहुत दूर है बर्फ वाला पहाड़, बहुत दूर है लेकिन बहुत छोटा सा दिख रहा है, और ये चले भी गया इधर, इसको जूम कैसे करते हैं, दिखा दिए यूसुफ को बर्फ वाली जगह, चलो वापस घर पे जाएंगे, हो गया ना बर्फ वाली जगह देख लिया, तुझे के तेरे के रे भाई तेरे के, कितना छोटा सा इधर है, क्या गलत रखी है कैमरा, तू देख रही है कैमरा नहीं बोल दिख रहा है, देखो ये अरे अरे ये देखो ये छोटा सा
पैराडाइज। अरे उधर नहीं, सामने से बोल रहा था मैं, उधर भी गया लैंड के लिए। वो देखो सामने, वो आसमान में दिखा रही, वो देखो भैया, वो देखो संतरा नंगा हो गया। बर्फ वाली जगह लेकिन बहुत थोड़ी सी दिख रही है, पेड़ों के पीछे छुप जा रही है। वाह कितना खूबसूरत नजारा है, देखो यूसुफ है ना, मनाली का। कहाँ पर है तुम? मनाली। मनाली में अपन पहुंचने वाले, मनाली में तो पहुंच चुके हैं, मनाली में अपन अपने अड्डे पे पहुंचने वाले, लाइक होटल पे। फिर होटल के बाद देखो ये होटल दिख रही है एकदम कोपचे में लगी हुई, जैसे नहीं क्या वेलकम पिक्चर में लास्ट में क्लाइमेक्स में होता है कोपचे में एकदम साइड में। होटल के बाद होटल के बाद यहाँ वहाँ घना घना सारा जहाँ वो बर्फ वाली जगह, तो ये सब चीजें ना मैं लास्ट टाइम पे भी देख के गया था, लेकिन ना वो टाइम पे ब्लॉग्स नहीं बना रहा वो ना शेयर नहीं कर पा रहा था। ये बारी मैं जो जो देखूंगा तुम लोग को भी दिखाऊंगा, पूरा मजा मिलेगा। ये देखो लकड़ी वाला होटल। तो 2 बजे, हाँ यूसुफ ने सही बोला, फाइनली 2 बजे हम लोगों का सफ़र हुआ ख़त्म। हम लोग मनाली में हम लोग की बस रुकी है, बाकी है काम, अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आ जाओ, है तो तुम्हारा, आ जाओ। किधर है यूसुफ, किधर है? इधर ना, पहले साइड में आओ आराम, मॉल रोड किधर है, किसकी ऑटो है? तो बस से उतरते साथ ही फिर मिल गए अपने को भाई। चलो आ जाए यूसुफ मेरी जान, रुक जाए, इसको डालने दे मेरे को बैग पे, शोल्डर पे। हाँ चलो आ जा, ला दे दे हाथ, एक को तू पकड़। अरे यूसुफ मेरा पकड़ेगा तो तेरा हाथ पकड़ेगा। चलो कैसा माहौल है नूर, ठंडा है? लास्ट टाइम पे ना हम लोग ठंडी में आए थे दिसंबर में, तो ऐसा बस से उतरने की हालत नहीं थी हमारी, कांप रहे थे हम लोग। ये तो बहुत अच्छे से उतरे, हाँ मस्त इनके साथ हैं देखो। हाँ तो 17 डिग्री है, एकदम मस्त एसी वाला माहौल है, धुएं भी नहीं निकल रहे, वो टाइम पे तो धुएं निकल रहे थे मुँह से। चलो सीधा होटल को चलते हैं, मॉल रोड पे रुकेंगे। मॉल रोड का धमाल बताता हूँ तुम लोगों को, यहाँ पर ना ऐसा कहीं पर भी होटल लेके मतलब नहीं है, मॉल रोड एकदम मज़ेदार है। आइए अपनी कार चलना, रहने दे अभी जल्दी पहुँच जाएगी। कितने देर में पहुँचेंगे मॉल रोड? 5 मिनट तो लगेगी। हाँ 5 मिनट तो लगेंगे। ये देख तेरे बेटे को देख, चल। अरे हाथ लगा ना उसको, तू मजे ले रही है ना। 2 दिन से ना ट्रैवल में है हम लोग, तो हालत एकदम खराब। चलो रे भाई चलो, चल मैं आगे बैठ जाऊँ क्या? छुट्टे है ना बेबस। ये नूर भी ना एकदम स्लो मोशन है, ट्रैवल में थोड़ा फास्ट होने का रहता है। चल बच्चे लोग का एक्सक्यूज दे देते हैं, चल बैग तो पीछे गया अभी, मेरी पीठ पे जो बैग है ये मानती भी नहीं है। हां हां मैं मान लूंगा, अभी फाइट दूंगा इसको, निकाल 100 रुपए। चल यही बात पे निकाल रही ना? नहीं निकाल रही, नहीं निकालना पड़ेगा अब तो, अब निकालना पड़ेगा। निकाल दो, हाँ यूसुफ सही बोला ना अभी। चलो भाई बस को, बाय बाय।